गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द एलिमेंट, देयर सिंबल सिग्निफिकेंस एंड फर्स्ट 20 एलिमेंट्स विद देयर नेम सिंबल एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द कंपाउंड. दिस इज द अनदर टॉपिक ऑफ दिस लेसन. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट. अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. Means when two atoms or two elements combine together in a fixed ratio, then it will lead to the formation of a compound. For example, hydrogen combine with chlorine to form hydrogen chloride. So in this reaction, you can see here one atom of hydrogen and one atom of chlorine always combine to form the one molecule of hydrogen chloride. So ratio is 1:1. Similarly, sodium reacts with chlorine to form the sodium chloride. Here one atom of sodium, one atom of chlorine to form sodium chloride. So ratio is 1:1. Understand? Another example, sodium reacts with hydrogen, carbon and oxygen. It will form the sodium hydrogen carbonate. Okay, so what is the ratio here? 1:1:3. Okay. और कार्बोनेट एक रेडिकल है, इसके बारे में बाद में बता दूंगा रेडिकल्स क्या होते हैं. ठीक है, बट आपने दो ये मेन डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशो में होते हैं. जैसे H2O है. नाउ इन द H2O वाटर, हियर द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कम्बाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल. तो ये रेशो हमेशा क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है. चाहे वो पानी आप रिवर से लो, टैप से लो, पॉन्ड से लो, लेक से लो, कहीं मर्जी से वाटर ले लो, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फिक्स्ड हेयर, सेम हेयर. ओके, नेक्स्ट मिक्सचर्स. व्हाट इज मिक्सचर? अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन एनी प्रोपोर्शन. जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन कर जाएं, मतलब कि यहाँ पे रेशो फिक्स नहीं होगी. एलिमेंट्स या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट या सब्सटेंसेस किसी भी रेशो में कंबाइन कर जाएं, उसको क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर बोलेंगे. जैसे आप ये लगा लो राइस और स्टोन है ना, उसको अगर हम मिक्स कर दें तो हम ये नहीं देखते कि कितना अमाउंट हम स्टोन मिक्स कर रहे हैं, कितना अमाउंट राइस है ना. तो रेशो इज़ नॉट फिक्स्ड हियर, है ना. सिमिलरली यू कैन टेक द, इफ़ आई विल आस्क द टू स्टूडेंट टू प्रिपेयर द लेमन जूस, तो लेमन जूस के क्या क्या ग्रेडियंट्स हैं? दैट इज सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर प्लस लेमन जूस. ओके, नाउ व्हाट हैपन कि अगर मैं दो स्टूडेंट्स को बनाने के लिए बोलूं लेमन जूस, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, अपने अपने हिसाब से डालेंगे. मतलब रेशो यहाँ पे फिक्स नहीं होगी. द रेशो ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट मे वेरी फ्रॉम द सेकेंड स्टूडेंट. ओके, सो रेशो इज़ नॉट फिक्स्ड हेयर. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स. द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, मतलब जो एलिमेंट्स या जो सब्सटेंसेस, जो चीज़ें मिला के हम मिक्सचर बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगी. जैसे साल्ट एंड सैंड का मिक्सचर मैंने बनाया, तो साल्ट एंड सैंड क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए या कॉम्पोनेंट्स हो गए. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मिक्सचर. फर्स्ट वन, नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर. मतलब किसी भी मिक्सचर को बनाने के लिए हमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. अंडरस्टैंड? और ना ही तो कोई एनर्जी रिलीज़ होती है. जैसे कंपाउंड में होता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है या तो एनर्जी रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है. बट जब मिक्सचर बनता है तो ना तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. ओके, सेकेंड, अ मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट. ठीक है, मिक्सचर जो भी होता है या तो वो होमोजीनियस भी हो सकता है या हीट्रोजीनियस भी हो सकता है. होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस के बारे में डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज ये मेरे पास बीकर है. डिस्टिंग्विश करने के लिए सिर्फ डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ मैं. ठीक है, दो बीकर ले लिए मैंने, दोनों में पानी डाल दिया. ठीक है, वाटर, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे डाल दिया मैंने सैंड, और यहाँ पे डाल दी मैंने शुगर.
अब दोनों ही बीकर शीशे के बने होते हैं, है ना। अगर आप शुगर को पानी सॉरी शुगर को पानी में डालोगे तो शुगर डिजॉल्व हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं हमें, है ना। बट अगर सैंड को पानी में डालोगे तो वो सैंड सेपरेटली दिखती ही है हमें। जिस भी मिक्सचर में उसके कंपोनेंट सेपरेटली ना दिखे, जिस भी मिक्सचर में उसके कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट ना दिखे मिक्स करने के बाद, वो होते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। और जो जिनमें कंपोनेंट सेपरेटली दिख जाए उनको बोलते हैं हीटरोजीनियस, ठीक है ना। डेफिनेशन इसकी ये बोलती है कि होमोजीनियस में जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है सभी जगह, और हीटरोजीनियस में कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट, ऑल द सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने बताया ना कि ये जो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, वो सारे किसके एग्जांपल होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल गैस इन एयर, ठीक है, ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं हीटरोजीनियस भी हो सकते हैं। तो गैस इन एयर जो मिक्सचर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, दैट इज होमोजीनियस होते हैं। क्यों होमोजीनियस होते हैं, क्योंकि गैसेस जो होती हैं अगर वो मिक्स कर भी जाएं हवा में तो वो हमें सेपरेटली नहीं दिखेंगी। जैसे मान लो हम व्हीकल चला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी एयर में मिक्स होने के बाद हमें सेपरेटली नहीं दिखेगी। तो जो कॉम्पोनेंट सेपरेटली नहीं दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एयर भी एक मिक्सचर है, किसका, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर का, है ना, तो वो हमें सेपरेट नहीं दिखते हैं। ओके, सो एयर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस गैस इन एयर मिक्सचर, हीटरोजीनियस का कोई एग्जांपल नहीं है इसका। देन गैस इन लिक्विड, एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स। अब कोल्ड ड्रिंक जब भी हम मार्केट से खरीदते हैं तो आपको पता है कि उनके अंदर एक गैस होती है, वो कौन सी गैस होती है, कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस का, ठीक है, गैस इन लिक्विड का। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल है, इसमें भी कभी कभी कुछ कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो जो एब्जॉर्ब करने का मतलब वो मिक्स हो जाती है, मेटल मिक्स हो जाती है कभी कभी गैस के साथ, तो वो कौन सा मिक्सचर हो गया, गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस। ओके, और वो भी कौन सा एग्जाम्पल होता है, होमोजीनियस ही होती है मिक्सचर। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड के बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, एल्कोहल वाटर है, लेमन जूस वाटर है ना। तो ये जो एल्कोहल वाटर है, ये लेमन जूस वाटर है, ये सारे एग्जाम्पल कौन से हैं, होमोजीनियस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और ये भी लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है, वाटर और ऑयल, बट ये कौन सा मिक्सचर है, हीटरोजीनियस, अंडरस्टैंड। देन लिक्विड इन लिक्विड सॉलिड, मरकरी इन एमलगमेटेड जिंक। एमलगमेटेड जिंक वो जिंक होता है जिसमें अलॉय के लिए हम सिर्फ मरकरी यूज़ करते हैं। जैसे एमलगमेटेड का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जब हम जिंक को मरकरी के साथ मिक्स करेंगे तो वो एक अलॉय बनाएगा, ठीक है ना, एमलगम बनता है वो, उसको बोलते हैं एमलगम। मतलब अलॉय ऑफ टू मेटल्स इन विच वन मेटल इज ऑलवेज वो मरकरी। दो मेटल ले लो ए प्लस बी, तो जो बी मेटल होगी वो हमेशा क्या होगी, मरकरी होगी, क्या होगी, मरकरी होगी। और ए कुछ भी हो सकती है, जब मरकरी और कोई भी दूसरी मेटल मिक्स कर जाती है तो एमलगम बनता है। तो अगर जिंक होगी तो वो एमलगमेटेड जिंक बन गया, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड, तो वो किसका एग्जांपल है, शुगर इन वाटर, शुगर एंड वाटर, शुगर डिजॉल्व हो जाता है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। चाक इन वाटर, चौक को अगर हम पानी में मिक्स करें तो वो डिजॉल्व नहीं होती है, वो सस्पेंडेड रह जाती है, तो वो हीटरोजीनियस का एग्जाम्पल। चौक सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड, डस्ट एंड वाटर। देन सॉलिड इन सॉलिड, सारी अलॉयज जो होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं। हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्स होने के बाद सेपरेट सेपरेट नहीं दिखते हैं। बहुत सारी अलॉयज हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, है ना, तो वो सारी जो मेटल्स अलॉयज हैं वो किसके एग्जाम्पल है, होमोजीनियस है, सॉलिड एंड सॉलिड। हीटरोजीनियस भी होते हैं, क्या क्या, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। सैंड भी सॉलिड है, आयरन फिलिंग भी सॉलिड है, बट मिक्स करने के बाद एक दूसरे को हम सेपरेटली देख सकते हैं, तो वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, हीटरोजीनियस। सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये भी वही है, अमोनियम क्लोराइड केमिकल है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वी आर हैविंग द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर।
नाउ यू कैन सी नेचर, कंपाउंड का नेचर कैसा है, होमोजीनियस। सारे कंपाउंड जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, मिक्सचर भी सारे हीट्रोजीनियस होते हैं, बट किसको छोड़ के, सॉल्यूशन को छोड़ के। सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, बट बाकी के जितने भी मिक्सचर हैं वो सारे क्या होते हैं, हीट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिक्स होती हैं और डिफरेंट होती हैं कंपाउंड की, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। जैसे वाटर बना, H2O2, H2O, ठीक है, ये कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिला के बना, और ये लिक्विड है, तो ये गैसेस हैं दोनों, ये बना गया लिक्विड, तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। मिक्स हम गैसेस को कर रहे हैं, बन हमारे पास लिक्विड रहा है, तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट। ओके, मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम ही होती है और फिक्स नहीं होती। ओके, देन सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये जो कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग द फिजिकल मेथड, ठीक है, बट मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। एनर्जी चेंज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसमें एनर्जी चेंज होगा ही होगा, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बट जब मिक्सचर बनेगा तो कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा, नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।